हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और इस वीडियो में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 यानी रेस्पिरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और समझ में आपको एक बार सुनते ही और आ जाएगा। और नोट्स अपन यहाँ पर एकदम फर्स्ट क्लास बनाएंगे, बड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब तुम्हें एक चीज़ पता है कि ये जो चैप्टर है ना, इसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, हमें ब्रीथिंग के बारे में पढ़ना है और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। अच्छा, ब्रीथिंग मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग मतलब O2 अंदर लेना और CO2 को बाहर निकाल देना। देखो, बड़ी सीधी सी बात है कि O2 इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एंड टू डिराइव एनर्जी। अब ये तुम्हें पता है, नहीं पता तो ह्यूमन फिजियोलॉजी तुमने पढ़ी होगी, वहाँ याद करने की कोशिश करो कि जब भी फूड से हमें एनर्जी चाहिए होती है तो क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए O2 की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। ठीक है, याद आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS, उसके अंदर O2 की रिक्वायरमेंट हो रही थी लास्ट में। सो O2 की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आती है कि जो हर एक सेल है वो जब रेस्पिरेशन करेगी, उसकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स होगी उनको फुलफिल करने के लिए उसको O2 देनी बहुत ज़रूरी है। और वो O2 कैसे दी जाती है, O2 कैसे देते हैं, मतलब कैसे देते हो, ब्रीदिंग से। यार देखो एक सेकेंड, मैं अगर एक चीज़ बताऊँ कि ये मैंने सेल ली है, ठीक है, ये सेल है, इसको मैं O2 देता हूँ और उसके बाद में जो CO2 जो कम्प्लीटली क्या है, इसके लिए यूजफुल नहीं है, इसको हार्मफुल गैस है ये, इसको हमें बाहर निकालना है। ठीक है, CO2 हैज टू बी रिलीज्ड आउट। नाउ ये जो पूरी प्रोसेस है ना O2 लेने की, CO2 छोड़ने की, दिस इज नोन एज ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग को ही हम कॉमनली बोल देते हैं रेस्पिरेशन, क्योंकि ब्रीदिंग होगी तभी रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि ब्रीदिंग के थ्रू ही O2 सेल्स को मिलेगी। सो ब्रीदिंग विच इज कॉमनली रेफर टू एज रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के बारे में अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो यहाँ पर एनर्जी का लिब्रेशन होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस इज बिकॉज यहाँ पर एनर्जी का लिब्रेशन होता है, इसीलिए ये प्रोसेस होती है। ओके, देन अब जो रेस्पिरेशन है उसकी क्या क्या स्टेप्स हैं। अच्छा, एक चीज़, कई बार रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो बात सीधी सी ये है कि रेस्पिरेशन जो एक टर्म है उसके अंडर ही ब्रीदिंग इंक्लूड होती है। समझ गए, ये बात अभी पता चलेगी जब ये स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में तुम्हें समझाऊंगा। अरे सुन मेरे भाई, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है रेस्पिरेशन, मैं तेरे को सीढ़ी दर सीढ़ी लेके चलता हूँ। सबसे पहला काम ब्रीदिंग, मुझे सांस लेनी है, मुझे सांस लेनी है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। पता है क्या तुझे, ओ गुरु, ये जो ब्रीदिंग के प्रोसेस है इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग, बाय विच एटमोस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियुलर एयर इज रिलीज आउट। CO2 रिच जो एल्वियोलाई के अंदर एयर होती है, जो सेल्स एल्वियोलाई तक पहुंचाती है, उनको फिर लंग्स के थ्रू बाहर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे लंग्स की, तो हमें पता चलेगा कि जो लंग्स हैं वो बहुत सारी छोटी 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 स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनको एल्वियोलाई बोला जाता है। ठीक है, सो वो जो एल्वियोलाई है, देखो ऐसे इमेजिन करो, ये लंग्स हैं, ठीक है, ये 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 विंड पाइप है, फिर ये लंग्स में खुली, ये लंग्स है मान लिया, ठीक है ना, यहाँ पर ये एक लंग है, ये एक लंग है, ठीक है। अब यहाँ पर ये फर्दर ऐसे डिवाइड होती हैं और बहुत सारी ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। ये स्ट्रक्चर मैं प्रॉपर नहीं बना रहा हूँ, बस तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। तो क्या होता है कि जो O2 बाहर से अंदर आ रही है ना, ठीक है, वो चलो देखो यहाँ से अंदर आई और फिर उसके बाद में ये एल्वियोलाई में जाती है और फिर एल्वियोलाई से इनको अंदर ले लिया जाता है। वो प्रोसेस, जो मैकेनिज्म है, वो हम इस चैप्टर में बड़े गौर से समझेंगे।
ये कुल मिला के मैं तुम्हें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी स्ट्रक्चर को खोदेंगे, फिर उसके बाद में हाँ एल्विलाई निकलेगी, फिर ये देखेंगे कि एल्विलाई से O2 कैसे बॉडी के अंदर, बॉडी की सेल्स तक जाती है, कैसे ब्लड में O2 जाती है और ब्लड से CO2 को एल्विलाई में वापस ले लिया जाता है और फिर रिलीज कर दिया जाता है। सुनो, देन थर्ड प्रोसेस, थर्ड स्टेप इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड। अब ये जो ब्लड में O2 आ गई है ना, इसको सेल्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और सेल्स से जाते जाते CO2 ले ली जाएगी और उसको वापस एल्विलाई में डाल दिया जाएगा। इसलिए बोला गया ना ट्रांसपोर्टेड ऑफ गैसेस बाय ब्लड। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अब मान लो ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन ब्लड लेकर के जा रहा है और एक टिश्यू मिला उसको या एक सेल मिली, फिर वहां पे क्या करेगा वो O2 देगा, वो उसकी सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू होकर के अंदर जाएगी, CO2 बाहर आई, यही तो लिखा हुआ है डिफ्यूजन ऑफ O2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। देन एट लास्ट यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, दैट इज द एंटायर प्रोसेस। यानी O2 आई, एल्विलाई तक पहुंची, एल्विलाई से कूद के ब्लड में गई, ब्लड में सर्कुलेट होती गई और जरूरतमंद गरीब सेल्स को O2 पुचक उनके अंदर आ गई ब्लड के थ्रू, फिर उसके बाद में उसको उन्होंने यूज ले लिया और यूज लेने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट निकला CO2, हार्मफुल गैस निकली CO2, वो सेल से कूदी पिचक ब्लड कैपिलरी में, ब्लड वेसल्स में कूदी, फिर वहां से वो CO2 रिच ब्लड गया वापस एल्विलाई के पास और फेंक दिया CO2 को, पैक फिर एल्विलाई से बाहर निकल करके आ गया। समझ में आएगा धीरे धीरे, डोंट पैनिक यार, बड़ी इजी सी चीज है। देन NCERT के स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का इंफॉर्मेशन दिया गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जैसे ऐसे कई लोग है ना अपनी बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन कर लेते हैं, मतलब स्किन बॉडी सरफेस से ही गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। और सुरेश कौन है मुझे भी बताओ ना, मेरे को भी जानना है, देखना स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट ये कौन है, मैंने तो सोचा था राम और श्याम होंगे यहां पर। Sponges and cylindrates are lower level organisms. तुम लोगों ने पढ़ा है ना plant kingdom, animal kingdom, diversity पढ़ी है ना वहीं। तो sponges और cylindrates जो है ना ये अपनी general body surface से ही respiration कर लेते हैं। These are the class of organisms which do respiration by general body surface. कौन है? Sponges हैं, cylindrates हैं। देन कुछ लोग अपनी गीली गीली भीगी स्किन से, कई लोग अपनी भीगी स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। कौन है ये? अर्थवॉर्म और फ्रॉग। ये अर्थवॉर्म और फ्रॉग है ना अपनी गीली गीली सी मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट क्यूटिकल से रेस्पिरेशन कर लेते हैं। स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, जनरल बॉडी सरफेस, अर्थवॉर्म, फ्रॉग, मॉइस्ट स्किन, ओके। देन कई लोगों के पास रेस्पिरेशन के लिए कुछ अलग ही जुगाड़ है, ये जुगाड़ है ट्रैकियल ट्यूब्स। अरे तुमने इंसेक्ट पढ़ा था ना, इंसेक्ट में एनिमल किंगडम जब पढ़ रहे थे तो वहां पर तुम्हें मैंने बताया था कि जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। क्या होती हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। किसमें? इंसेक्ट्स में। कई लोग जस्सी गिल से भी करते हैं, गिल से रेस्पिरेशन करते हैं, कई लोग जस्सी गिल से रेस्पिरेशन करते हैं। ये कौन है? कौन है ये? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलुस्क्स, फिशेस। मछली जल की रानी है, मोलुस्क ने इसकी बात मानी है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड इन दोनों की नानी है। ये गिल, ये जस्सी गिल से रेस्पिरेशन करते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, मोलस्क, फिशेस, यस और नो? लंग्स से, अरे लंग्स से रेस्पिरेशन कौन करता है?
रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स। सर ये क्या कर रहे हो? इसको रटना बोलते हैं, सीखने वाली कला है। सो दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो तुम्हें रट जाने हैं। ओके यस और नो? तो कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। ये जो बातें अभी मैंने अपने मुंह से फेंकी है ना, इन बातों को एक एक करके पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे और अपने दिमाग में डालेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।